खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा में किसान परेशान है। कड़कड़ात ठंड में बता दी कि किसान खरीदी केंद्र में तौल के खातिर दुई दिन तक इंतजार कर रहे हैं। खरीदी केंद्र में मनमानी के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सभाजन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थी बड़ी खबर से। बता दी कि एक तरफ कड़कड़ाए वाले ठंडी तो दूसर कई रीवा के धान खरीदी केंद्र में मनमानी के आलम थमय के नाम नहीं ले लगा। बिना व्यवस्था के किसानन का अनाज के तौल के खातिर दो दिन तक इंतजार करे पड़ रहा है। किसानन के कहा है कि ठंडी के समय चल रहा है और इसने में धान के तोलाई के खातिर रात में सड़क में गुजारा करे पड़े थे। ताज़ा मामला हरदी शंकर खरीदी केंद्र से सामने आवा, जहां किसान के द्वारा धान खरीदी केंद्र में भारी लापरवाही के आरोप लगावा का। खरीदी केंद्र में पहुंचे किसान के द्वारा बतावा गया कि परसों रात से तौल के खातिर इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ आए बाकी किसान के हाल यह मेर है, सब धान के तौल के खातिर दो दिन तक इंतजार कर रहे हैं, ठंड में परेशान हो रहे हैं। ऐसे धान खरीदी केंद्र में आए एक और किसान राजकुमार कोरी के द्वारा कहा गया कि तौल में निर्धारित की जाने वाली राशि से ज़्यादा पैसा किसान से लीन जा रहा हम। किसानन के कहा है कि चाहे धान की खरीदी हो या फिर गेहूं की खरीदी हो, लगातार कई एक वर्षन से यह मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्या पर ध्यान दी जाए, पर समस्या जस के तस बनी है। किसानन के मांग है कि प्रशासनिक अधिकारी धान खरीदी केंद्र के दौरा करा और खरीदी केंद्र में बुनियादी व्यवस्था का दुरुस्त करवा। खरीदी केंद्र में पेयजल की व्यवस्था, छाँव और अलाव की कोनो व्यवस्था नहीं है, जो उनके मुसीबत के सबब बन रही है। दूसर कई तौल के नाम पर होए वाला भ्रष्टाचार किसानन के अलग से परेशानी के सबब बना है। उनका मांग है कि लापरवाही करे वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए चाहिए। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। इजाजत। किसानों का बहुत जबरदस्त शोषण होता है, आपने देखा ही है। यहाँ किसानों ने बताया कि तौल के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, प्रति ट्राली पैसे लिए जाते हैं, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कई बार शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि खरीदी केंद्रों में बैनर लगा दीजिए, बैनरों में स्पष्ट लिखवा दीजिए कि किसानों के तौल के नाम पर कितने पैसे देना है, नहीं देना है, धान खरीदी के क्या मापदंड है। तो कभी भी हमारे यहाँ के जिला प्रशासन से लेकर कोई ध्यान नहीं दिया और किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। देखिए, आज इस बार धान का समर्थन मूल्य जो पिछले साल के समर्थन मूल्य से 143 रुपए क्विंटल धान का समर्थन मूल्य बढ़ा है। अब आप सोच सकते हैं 50-50, 25-25 किलोमीटर दूर खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। रात रात भर किसान हमारी ट्रालियों के नीचे सोते हैं, देख रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली पलट जाती है। लगातार किसान उत्पादन करने के बाद, विपुल उत्पादन करने के बाद बेचने के लिए परेशान होते हैं।